सिद्धांत हो गया, तो इसीलिए पापा पी खा के मार पीट करते हैं, तो इसीलिए पापा आपके नहीं कमाते हैं, कमाते हैं अपना शराब पीते हैं, शराब पीने में पूरा बर्बाद हो गया, अभी रात को मतलब रिक्शा चला के समय निकालते, तो रात को पढ़ाई भी करते हैं और अपना मतलब बीच में निकालते हैं, और आगे चल के हम सोचते हैं कि अपना रिक्शा नया लेके खुद का रिक्शा, क्योंकि हम 400 रुपये हमको जमा बचे और आगे 400 रुपये का कुछ हम अपने लोग को, तो माँ बाप है उसका तो पैसा उड़ाती फिराती रहती है, लड़का बॉयफ्रेंड के साथ घूमना फिरना, बाकी ऐसा वैसे हम नहीं, हम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के मतलब मैं अपने भाई बहन जितना जितना दिन भाई बहन खुशी और प्यार देंगे तभी ना हमको अच्छा मतलब भगवान भी हमको बोलेंगे कि हाँ बहुत अच्छी लड़की है, ऐसे मतलब समाज भी बोलेगा कि हाँ ये लड़की बहुत अच्छी है, अपने भाई बहन को बड़ा करके पढ़ा लिखा के मेहनत करके अपने की है। जिस तरह से जीने के लिए चाहिए कपड़ा मकान रोटी, ठीक उसे पूरा करने के लिए बिहार में नाम रोशन कर लिए बिहार की ज्योति, ये वही ज्योति है जो पटना के सड़कों पर जो ई रिक्शा चलाती है और ई रिक्शा चलाकर अपने भाइयों को पढ़ाने और इनके जीवन यापन करने का काम कर रही है। जिस उम्र में ये खुद पढ़ती है और आगे बढ़ने का सपना होता है, ठीक उसी प्रकार देख सकते हैं ई रिक्शा को जो है ये खुद से चलाकर अपने भाई और बहनों को पढ़ाने का काम कर रही है। भाई मजबूरी ऐसी आ जाती है कि जिंदगी में लोग क्या से क्या करते हैं, आपने सड़कों पर देखा होगा लोगों को भीख मांगते हुए, लड़कियों को फेसबुक पर प्यार करके बर्बाद होते हुए, उस उम्र में ज्योति नाम कमा रही है और नाम इतना कमा रही है कि पूरे बिहार में इनको देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं और इनको शाबाशी भी दे रहे हैं। लेकिन आखिर में ऐसी क्या मजबूरी आई है कि ज्योति जो है पटना की सड़कों पर ई रिक्शा चलाती है, आइए हम इस वीडियो में आपको बताएंगे और आप चौंक जाइएगा कि आखिर में एक पटना की लड़की जिसकी उम्र 14 साल है, नाम ज्योति है, पिता शराबी है और 4-5 बहने हैं, आखिर में ये रिक्शा क्यों चलाती है, आइए हम ज्योति से ही पूछेंगे। अगर ज्योति की बात आपको सही लगेगी, कहीं ना कहीं आपको दिल पर टच होगा, तो वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को देखने वाली लड़कियों आप इस ज्योति से जरूर सीखिए कि ज्योति किस तरह अपने दम पर कमा रही है, अपना नाम रोशन कर रही है और अपने भाइयों को पढ़ाने का काम कर रही है। ज्योति जी कब से आप ई रिक्शा चला रही हैं? हम 10-15 दिन से चला रहे हैं इसका। आवाज 15 दिन से? हाँ। और अभी पूरे बिहार के मीडिया आपसे इंटरव्यू लेने के लिए आ रहे हैं। हाँ, जरूर। कैसा लग रहा है कि जब आप पढ़ना चाहिए उम्र में पढ़ना चाहिए उस उम्र में आप ई रिक्शा चलाती हैं? क्योंकि मेरा भाई बहन छोटा भाई बहन है, इसीलिए हमको ये काम करना पड़ता है, क्योंकि ये काम नहीं करेंगे तो 2 रोटी कैसे भाई बहन को पेट में रोटी देंगे। सही बात है, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहले ये दर्शकों को बताइए कि आप कितने भाई और बहने हैं? 3 बहन 2 भाई, 1 बहन का शादी हो गया, तो 2 बहन 3 बहन रहते हैं यहाँ पर। 3 बहन रहते हैं यहाँ पर। हाँ। तो अभी ये बताइए, जिस प्रकार से आप ई रिक्शा चला रही हैं, क्या घर में ऐसा कोई नहीं है जो आपके घर के आपका पालन पोषण कर पाए? नहीं, मेरी मम्मी है, तो मम्मी का पहले 2 साल पहले देहांत हो गया, तो इसीलिए पापा पी खा के मार पीट करते हैं, तो इसीलिए पापा आपके नहीं कमाते हैं, कमाते हैं अपना शराब पीते हैं, शराब पीने में पूरा बर्बाद हो गया। हाँ, अब देख सकते हैं ज्योति के पिता जो है वो एक शराबी है, शराब पीने में ही अपनी कमाई लुटा देते हैं, माँ नहीं है, घर के पालन पोषण खाना आखिर में कौन बनाता है? खाना हम बनाते हैं। आप ही बनाते हैं? मतलब कि दोनों टाइम खाना बनाना, उसके बाद में बच्चों को पढ़ाना और फिर समय बचता है दिन में तो ई रिक्शा चलाना, कैसे मैनेज करती हैं आप? भाई को बहन का स्कूल भी पहुंचाना रहता है, तो ये पहुंचाना भी रहता है। हाँ, टाइम निकाल लेते हैं। हाँ। कभी कभी मतलब सवारी छोड़ के जल्दी से हम भागते हैं कि पहुंचाएंगे, अपना भाई बहन को लाना फिर पहुंचाना करते हैं। फिर क्या बोलते, सुबह उठते हाल फिलहाल जल्दी जल्दी उठते तो चावल आटा हुआ बनाते अपना, जो जो मतलब जो सामान रहता है वो बनाते हैं, या फिर अपना बाजार से खीन के लाते हैं तो बनाते वो भी, और फिर सुबह में बना के इन लोग खिला देते हैं, और फिर इन लोग स्कूल जाती है तो स्कूल में खाना मिलता है तो स्कूल में इन लोग खा लेती है, फिर हम बाजार में खा लेते हैं, फिर सांझ को आते तो खाना बनाते तो अपना इन लोग खाती है, उसके बाद खाते हैं। और दिन भर पिताजी क्या करता है 24 घंटा? दिन भर पिताजी मेरे काम करते कभी कहीं, ऐसे तो दुकान किए हुए हैं चाय का दुकान, तो कभी खोलते कभी नहीं खोलते, 10-15 दिन बंद किए हुए थे दारू पी के, तो इसीलिए हम खोले थे 2-3 दिन बीच में दुकान, तो हमसे मारा पीटी, पूरा कान हुआ मेरे फाड़ दिए थे, पूरा मार के थी हुआ, तो लड़ाई हुआ बहुत करने लगे थे, इसीलिए हम बंद कर दे दुकान, अपना हवा में निकालने चले। आपका पिता खुद अपनी बेटी से झगड़ा? हाँ। अब आप देख सकते हैं लड़की के कान में इयर रिंग होना चाहिए लेकिन कान में इयर रिंग जो है वो नहीं है, कहीं ना कहीं आपके पिता के मार पिटाई का टूट गया। हाँ। आपके पिताजी झगड़ा भी करते हैं? नहीं, ज्यादा झगड़ा नहीं करते हैं, कभी कदार करते हैं। कमा के खिलाते हैं कि नहीं आप लोगों को? खिलाते हैं कमा के।
आपको खिलाते हैं, आपको नहीं खिलाते हैं, ये दोनों में भेदभाव आखिर क्यों हो जाता है? क्योंकि ये पापा मेरे छोटा भाई के खिलाते हैं, तो पापा की बात मानती है। पापा से हमें पट्टा नहीं, पापा तो हमको गाड़ी को गलौज करते हैं, इसलिए हम पापा से दूर रहते हैं। अपना छोटा वाला भाई और बहन को लेकर आते हैं अपना जी। और आप लोग क्या करते हो बाबू? पढ़ाई करता है कि नहीं? हाँ। करता है। और तुम क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं। कौन क्लास में? टू क्लास में। तो आप बाकी भाई बहनों को पढ़ाती हैं? और आपने कहाँ तक पढ़ाया पहले ये बताइए। क्या हुआ? आपने कौन सी क्लास तक पढ़ाई? हम 8 क्लास तक पढ़े हैं। 8 तक पढ़े हैं या पढ़ाई कर रहे हैं? अभी तो पढ़ाई फिलहाल दो तीन साल से छोड़ दी है पढ़ाई। हाँ। सब कुछ भूल भाल गया था। मेरी मम्मी डेट कर गई थी बीच में, अचानक बहुत बोझ हो गया था, मतलब बहुत दिक्कत, गरीबी इतना हो गया था, कुछ कहने का नहीं था। हाँ। इसलिए हम पढ़ाई लिखाई छोड़ के अपना हवा हवा निकाले चलाने के लिए। मतलब जब आपकी माँ का डेथ हुआ था उसके बाद जो है आपके हालात खराब हो गए, और हालात खराब होने के बाद जो है जो परिवार की दयनीय स्थिति है उसको आपने अपने कंधे पर ले लिया, और आपने जो है कमाई का एक जरिया तलाश के आपने अपने सपनों को भी भूल गए। लेकिन जिस उम्र में लड़कियां जो है अलग अलग सपना, डॉक्टर इंजीनियर बनने का होता है, अलग अलग क्षेत्र में जाकर नाम कमाना होता है, उस उम्र में आप ई रिक्शा चला रही हैं। क्योंकि हम रिक्शा नहीं चलाएंगे तो पेट कैसे चलेगा, और भाई बहन को कैसे देखेंगे? हाँ। लोग को तो माँ बाप है, उसका तो पैसा उड़ाती फिराती रहती है। लड़का बॉयफ्रेंड के साथ घूमना फिरना, बाकी ऐसे वैसे हम नहीं, हम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की मानी। मैं अपने भाई बहन जितना दिन भाई बहन खुशी और प्यार देंगे तभी ना हमको अच्छा, मतलब भगवान भी हमको बोलेंगे कि हाँ बहुत अच्छी लड़की है, ऐसे मतलब समाज भी बोलेगा कि हाँ ये लड़की बहुत अच्छी है, अपने भाई बहन को बड़ा करके पढ़ा लिखा के मेहनत करके अपने की है। लड़की लोग बोलते हैं जो फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर जो मैसेज करते रहती है लड़का लोग को, इस सब काम करने से अच्छा पढ़ाई लिखाई करे। हाँ। और आगे चल के मेहनत करे मेरी तरह, कि अपने भाई बहन को चाहे किसी को पोसना हुआ चाहे अपने बाल बच्चे। अब आप देख सकते हैं ज्योति की सोच और ज्योति की जिम्मेदारी और ज्योति के जो विचार है उसे सोचने के बाद देखने के बाद जो है आप दंग हो जाएंगे कि इतनी उम्र में लड़की की सोच इतना ऊंच है और इतना मेहनत से अपने परिवार का काम करे। जिस उम्र में लड़कियां फेसबुक पर अकाउंट होता है, इंस्टाग्राम पर अश्लील वीडियो बनाती है, बॉयफ्रेंड के साथ सिनेमा हॉल में जाती है, उस उम्र में ज्योति जो है ई रिक्शा चलाती हैं। अब आपका राय जो है, अब सोचने वाली बात यह है, आप कमेंट करके बताइएगा कि जिस उम्र में लड़कियां ये करती है उस उम्र में ज्योति काम कर रही है, और इससे प्रेरणा लेने वाली बात है, आप प्रेरणा लीजिए। आप जितने भी वीडियो देखने वाला दर्शक है, चाहे वो यंगर हो, ओल्डर हो, लड़का लड़की कोई भी हो, आप इससे सीख लीजिए, और सीखने के बाद आप खुद सोचिए कि आप इसके उम्र में क्या करते हैं और ये इस उम्र में क्या करती है। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं, और ये अपने लाइफ बनाने के साथ साथ अपने चारों भाई बहनों का लाइफ संवारने का काम कर रही है। लेकिन यह बताइए, आप अभी तक ये काम कर रही हैं, आगे आपका क्या प्लान है? ई रिक्शा ही चलाना है कि पढ़ाई भी कीजिएगा? हम पढ़ाई भी रात को मतलब रिक्शा चला के समय निकालते तो रात को। हाँ। पढ़ाई भी करते हैं। हाँ। और अपना मतलब बीच में निकालते हैं, और आगे चल के हम सोचते हैं कि अपना रिक्शा नया लेके खुद का रिक्शा, क्योंकि हम 400 रुपये हमको जमा बचे, और आगे 400 रुपये का कुछ हम अपने मेरी मम्मी जमीन ली हुई है पुनपुन में सॉरी दिन है, तो उसको हम बनाना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं कि उसको उठा सके, अपने भाई बहन को रहने के लिए व्यवस्था कर सकते, क्योंकि झोपड़ी में तो नहीं रह सकते। ये पहले बताइए, ई रिक्शा आपकी है, ये भी भाड़ा का है? ये भाड़ा का है। भाड़ा का है, कितना देती है? 400 रुपये हम देते हैं। 400 रुपये दे देती है, तो फिर बचता कैसे है 24 घंटा का, दिन भर का बचता? मतलब 1500, मतलब 1500 चाहे 600 हो जाता है, तो 400-200 हमको बचता है। मतलब की 1000 रुपये से नीचे के ही कमाई हो पाती है। अब आप देख सकते हैं जो ई रिक्शा ये चला रही है लड़की, ये रिक्शा भी भाड़े का है भैया, ये इनका नहीं है, ये भी भाड़े का है, और दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये कमाती हैं। अब आप समझ लीजिए 400 रुपये भाड़ा का देने के बाद कितना बचता होगा, और उसी बचाए हुए पैसे में एक घर का गुजारा कैसे होता है? घर का गुजारा मतलब कुछ कुछ राशन पानी हल्का फुल्का थोड़ा थोड़ा लेके अपना करना पड़ता है, कपड़ा लत्ता भी मेंटेन कर लेते हैं हल्का फुल्का, मात्र 500-600 में मैनेज कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं ये लड़की मात्र 500-600 रुपये प्रतिदिन की कमाई में जो है अपना गुजारा करती है, अपने भाई बहनों का गुजारा करती है, खाने पीने का गुजारा करती है। मतलब इनसे मैनेजमेंट की भी हमें जानकारी मिल सकती है कि कैसे अपने लाइफ को मैनेज करना है। लेकिन गरीबी में उठकर ऊंचा उठना, ऊंचा उठ के अपना नाम रोशन करना अगर सीखना है तो इस लड़की से सीखेंगे, ज्योति से सीखेंगे, कि ज्योति ने बिहार में नाम जो है अब रोशन कर रही है। क्यों?
ई रिक्शा चलाने से नहीं भैया, ई रिक्शा चलाते हुए अपने सपनों को पूरा करना, अपने परिवार का नाम रोशन करना, इसीलिए ये पूरे बिहार में फेमस हो रही है। क्या कहोगे बाबू, आपकी दीदी अब मीडिया में आ रही है? कुछ नहीं, ठीक तो है, दीदी आ रही है मीडिया में। ठीक है, आप पढ़ाई करोगे नहीं? दीदी अगर मेहनत करती है तो आप पढ़ाई करोगे नहीं? पढ़ाई करेंगे। नाम दीदी का रोशन करोगे कि नहीं? करेंगे। करोगी आप पढ़ाई करोगे कि नहीं? हाँ करेंगे। क्या आप बड़ा होगे क्या बनोगे? पुलिस। पुलिस बनना चाहोगे तुम बाबू? हम भी पुलिस। पुलिस बनोगे? हाँ। आपके भाई बहन पढ़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, आप एक वादा कीजिए कि आप समय निकाल के पढ़ाई अच्छे से कीजिए। हम वादा करते हैं, हम समय निकाल के जरूर पढ़ाई करेंगे कि हम भी कुछ बन सके। हम भी, मेरा भी सपना है कि हम भी कुछ बन सके। बन सके जी। लेकिन ई रिक्शा आप सड़कों पे लेकर दौड़ती है, 14 साल का उम्र में है, 14 साल का उम्र है, और 14 साल में अगर बिहार पुलिस सड़कों पे पकड़ ले तो फिर क्या कीजिएगा? पुलिस से झगड़ा कर लेगा कि वो थोड़ी ना कमा खिला देंगे मेरे चारों को भाई बहन को। हाँ। हमको खिलाना है चारों को भाई बहन को कमा के। तो ये 14 से 15 दिन में अभी तक पुलिस ने पकड़ा ही नहीं, क्योंकि हल्का फुल्का पकड़े हैं, बोले कि रुको रुको। तो हम बोले कि क्या अंकल आपको क्या कर पकड़ रहे हमको? तो फिर बोले कि नहीं तुमको नहीं पकड़ रहे, नहीं तुम बैठो हमको घुमा दो एक बार। तो उनको बैठा के घुमा दिए। तो फिर बोले कि लो 10 रुपया 20 रुपया। तो हम बोले कि नहीं नहीं अंकल, आप लोग से क्या लेंगे पैसा, आप लोग तो हम लोग को मदद कर रहे हैं। तो यही व्यवहार पर वो अंकल हमको बोले कि तुमको जब भी पकड़ाओगे ना तुम पुलिस से, तो हमको फोन करना, एक हम तुमको जरूर छुड़ाने आएंगे। मोबाइल है आपके पास? नहीं, मेरा फोन तो चोरी हो गया हाल ही फिलहाल। अब आप देख सकते हैं इस लड़की के पास मोबाइल भी नहीं है, मोबाइल चोरी भी हो गया, तो कम्युनिकेशन कैसे, किसी से बात कैसे करते होंगे? मतलब अगल बगल का होगा ना तो उससे बात कर ले, चाहे पैसेंजर बैठा होगा अच्छा, मतलब उससे बात कर लेते हैं उसके फोन से करके। अभी तो हम, मेरे मालिक है ना जो, हमको बोले कि तुम देखो फोन, हम तुमको दिला देते फोन। तो अभी 2-3 जगह गए फोन के लिए, तो पुराना फोन बोले बहुत ज्यादा दाम, तो इसीलिए हम बोले कि हम क्यों नहीं, मेरे मालिक बोले क्यों नहीं नया हम लोन पर तुमको फोन दिला देते, और तुम धीरे धीरे करके हमको फोन पैसा हमको दे देना। जी, अब आप समझ सकते हैं ज्योति जिस स्थिति से गुजर रही है उस स्थिति से प्रेरणा लेने का जरूरी है। अंत में चलते हुए आपसे चाहेंगे कि उन लोगों को, लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे जो घर पे पड़ी हुई गलत रास्ते पर चल जाती है? हम शादी ब्याह हो गया, पोसना हुआ, चाहे उनके हस्बैंड मारपीट करते हुए, तो ये सब काम करके पोसना हुआ उन लोगों को। अब आप देख सकते हैं ज्योति जिस प्रकार से नाम रोशन कर रहे, ई रिक्शा चला रही है, कहीं ना कहीं गर्व की बात है, कहीं ना कहीं प्रेरणा लेने की बात है। ये ई रिक्शा चला के अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है, अपने भाई बहनों का पालन पोषण कर रही है, और अभी के समय में देखा जाए तो पटना में सबसे ज्यादा नाम लिया जाने वाला एक ही है, ज्योति कुमारी, जो ई रिक्शा चला के कहीं ना कहीं बिहार में फेमस हो रही है। और आप सबों को इनसे प्रेरणा लेना चाहिए, और साथ ही साथ हम चाहेंगे कि जितना हो सके इनको सहयोग किया जाए ताकि ये अपने परिवार का भरण पोषण कर पाए। बाकी आप लोगों से हम जानना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा इनके हौसला, इनके जज्बा और इनके इस बड़े काम को आप लोग क्या कहना चाहते हैं, हम आपके कमेंट बॉक्स में जानना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो सही लगा हो और इनकी काम अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।